टू फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और अभी मैं गाजीपुर के लंका मैदान में आया हूं। और भाई साहब जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं रावण जो कि आपको पता होगा कि जो 24 अक्टूबर को जो इस बार रावण दहन सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज जो है कि मैं यही देखने वाला हूं कि इस बार का जो रावण है कितना विशाल और कितना अद्भुत बन रहा है। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि इस बार का रावण तकरीबन 60 से 65 फीट अप्रॉक्स बन रहा है। तो हम आपको जो कि पूरा कंप्लीट दिखाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको पूरा कंप्लीट। अभी आप देख पा रहे होंगे जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, ये है गाजीपुर का इस बार का बनने वाला रावण जो कि तकरीबन 60 से 70 फुट का अप्रॉक्स रहने वाला है। आप एक बार देख पा रहे होंगे और इधर देखेंगे तो उसका जो कि ये चेस्ट है आप देख सकते हैं एक बार ऊपर से नीचे, इसका जो कि पूरा चेस्ट है और ये रावण का हार है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अद्भुत इस बार का जो है कि बनाया गया है। और इस बार का हार में भी कुछ चेंजिंग किया गया थोड़ा मोड़ा। और इधर आप देखोगे तो ये रावण का आई थिंक नीचे का है पार्ट, इसको क्या कहते हैं भैया, ये थोड़ा का घाघरा है। एक बार आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक घाघरा है ये। और अच्छा ये भी घाघरा कई रावण का ही है। ये देखिए भाई साहब रावण का जो कि मैं दिखा रहा था, अंकल जी एक और अपडेट दे दें, यहाँ पे एक रावण का पहले फेस हो गया जो कि देख सकते हैं कितना बड़ा इस बार, उसके बाद ये रावण का चेस्ट हो गया, उसके बाद ये नीचे रावण का घाघरा, उसके बाद ये नीचे का पता नहीं है क्या चीज़। अब देखिए वो भी एक, ये भी घाघरा का ही है देखिए। और तकरीबन दोस्तों आप मिला के अप्रॉक्स देख सकते हैं 60 से 65 फीट तो इसी तरह आराम से हो जा रहा है। और ये रावण का हार देखिए। और यहाँ पे इस बार का जो कि रावण का जो मुकुट बन रहा है ये कुछ अलग तरीके का बनाया जा रहा है। अंकल जी कैसा इस बार का मुकुट बन रहा है? अलग बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस बार ये इस बार सबसे ऊपर रहने वाला है, लेकिन इस बार कुछ अलग डिजाइन से इसको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार का रावण जो कि कुछ ना कुछ कई तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर का ये कैप जो है कि उसका चेंज किया जा रहा है। बाकी और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक सामने भैया दिख रहे होंगे काफी दूर पर जो दोनों रावण के हाथों के बीच में है। एक बार ये दोस्तों रावण का हाथ देखिए, ये देख सकते हैं इतना बड़ा जो है कि रावण का हाथ है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो ये रावण का ये दूसरा हाथ है, देख सकते हैं अभी जो कि भैया इस पर पेपर लगा रहे हैं। और इसकी दोस्तों जो पेंटिंग है मैं बता दूं कि इसका अप्रॉक्स जो है कि अगले महीने में शुरू कर दिया जाएगा, अप्रॉक्स 2 या 3 तारीख से। बाकी ये देखिए ये रावण का शूज है, आप देख सकते हैं कितना विशाल जो है कि इसका जूता है रावण का, एक बार देख सकते हैं। और ये रावण के भाई लोग हैं, ये देखिए ये रावण के बाकी ये सब भाई है, मेघनाद कुंभकर्ण। और इधर भी जो है कि ये रावण का दूसरा शूज है और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर रावण के जो छोटे छोटे हाथ बना रहे भैया, काफी ज्यादा योगदान है। अंकल जी क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम जोगी। जोगी कब से बना रहे हैं रावण और कब से मतलब बना रहे हैं? अगस्त में। कितने साल हो गए आपको? 30 साल हो गया। दोस्तों देख सकते हैं 30 साल से अंकल जी जो कि लगातार बना रहे हैं और इन लोग का एक्सपीरियंस देख सकते हैं जो कि आज पूरा ये लोग रावण मिलकर बनाते हैं गाजीपुर में। एक अलग ही दोस्तों ये पहचान है जो कि विजयदशमी बोला जाए रावण दहन के दिन यहाँ पर जो ग्राउंड आप देखेंगे पूरा कंप्लीट ग्राउंड भर जाता है। देख सकते हैं पूरा ये विशाल रावण आपको दिख रहा होगा, तकरीबन जैसा कि बताया जा रहा है 60 से 70 फुट अप्रॉक्स बन रहा है। और भी हम कुछ दोस्तों दिखाने का प्रयास करेंगे। ये एक बार रावण का जूता देखिए, ये रावण का जूता है, जब पेंट हो जाएगा और जब लगेगा ऊपर तब देखिएगा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विशाल लगेगा आप लोगों को। और ये बाकी जितने उनके भाई हैं ये मेघनाथ कुंभकर्ण, और अभी तो थोड़ा सा चेहरा का भी हमको इतना पहचान नहीं आ रहा कि कौन क्या है, बाकी जब पेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे। देख सकते हैं और इधर भी देखिए, और भी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। भैया कुछ बताना चाहेंगे? देखिए भैया भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जस्ट अभी जो कि पेंटिंग की तैयारी हुई है इसलिए अभी जो कि इसके ऊपर व्हाइट पेज जो है कि चिपकाया जा रहा है ताकि जो पेंट करने में आसानी रहती है इसे। और ये रावण का ये बाली है, ये आप देख सकते हैं ये रावण का बाली है, इसके ऊपर ये लग रहा है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसका वेट तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, मतलब देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बाली इसका बनाया जा रहा है। और जो कि हर साल दोस्तों बनता है, हर साल इसको बनाया जा रहा है। और देख लीजिए छोटा सा यही आप लोगों को प्रयास था दिखाने को, मैं सोचा कि इस बार दिखा देता हूँ। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, और जैसा कि अभी पास में भी आ ही चुका है 24 अक्टूबर को जो इसका दहन होने वाला है तो वो भी हम आपको पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। तब तक के लिए बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।